कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, सच के पीछे का सच। कश्मीर के इतिहास का एक बेहद दर्दनाक किस्सा। 1990 के जनवरी की वो दहशत भरी सर्द रातें शायद ही कश्मीर के पंडित परिवार भूल पाएंगे। बसे बसाए परिवार, घर बार, कारोबार उजड़ गए। सामने था केवल एक अंधकारमय अनिश्चित भविष्य। कश्मीरी पंडितों पर गुजरी इस त्रासदी को भाजपा और आरएसएस हमेशा से एक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग में लाते रहे हैं। वे इसे पिछली सरकारों को दुर्बल साबित करने के सबूत के रूप में पेश करते हैं। पंडितों पर किए गए अन्याय का प्रमाण देकर वे भारत के हिंदू आबादी के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत जगाने का प्रयास करते हैं। इसी घटना का कारण देकर उन्होंने हाल ही में कश्मीर की जनता की आवाज को कुचलने का काम किया है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक किस्से के पीछे के तथ्य। पाकिस्तान की साजिशों की वजह से 1947 से ही कश्मीर कई बार अशांत रहा है, लेकिन 1990 में हम कश्मीर को उग्रवाद के एक अलग ही चरम बिंदु पर पाते हैं। इस दौर में उग्रवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे खुलेआम पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने की धमकियां देने लगे। और उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? जी नहीं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, दिल्ली में तब भाजपा प्रायोजित वीपी सिंह की सरकार थी। जी हां, देश में अलगाववादियों को इस तरह छूट देने का श्रेय भाजपा और उनके मित्रों को ही जाता है। उग्रवादियों का हौसला उस दौरान इस कदर कैसे बढ़ा, तो उसका भी श्रेय इसी केंद्र सरकार को जाता है जो भाजपा के समर्थन पर टिकी हुई थी। दरअसल अनुभवहीन वीपी सिंह सरकार कश्मीर को लेकर कोई पहलकदमी करने की स्थिति में नहीं थी। देश के गृहमंत्री के रूप में कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद को लाया गया। मुफ्ती के शपथ ग्रहण के ठीक चार दिन बाद यानी 8 दिसंबर को उनकी बेटी डॉक्टर रूबिया सईद का कश्मीर में अपहरण किया गया। रूबिया की रिहाई के बदले पहले 3 और फिर 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला किसी सूरत में रिहाई के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर दबाव बनाकर 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सरकार को दबाया जा सकता है और सरकार दब सकती है। आतंकवादियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक था। इसके बाद अपहरण और बदले में रिहाइयों की कई घटनाएं हुई। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, इस किताब में आईबी के संचालक तथा रॉ के सर्वोच्च अधिकारी रहे एएस दुलत लिखते हैं, 1979 और 90 के जाड़ों में श्रीनगर एक भयानक भूतहा शहर जैसा था जो युद्ध के तांडव का आरंभ देख रहा था। रूबिया सईद के अपहरण ने बगावत का बांध खोल दिया। हत्याएं रोजमर्रा की चीज बन गई। बमबाजी और फायरिंग अब मुख्यमंत्री के आवास के पास के सबसे सुरक्षित इलाकों में भी होने लगी थी। ट्रकों में बंदूकें लहराते हुए युवा कैंड क्षेत्र के पास दिखाई देने लगे थे। आतंकवादियों द्वारा शहर के केंद्रीय इलाकों में मिलिट्री परेड होती थी। उस समय की राजनीतिक प्राथमिकता कश्मीर पर ध्यान देकर परिस्थिति को काबू में लाना, ये होनी चाहिए थी। लेकिन आरएसएस और भाजपा कोई और गेम प्लान में लगे हुए थे। जी हाँ, अडवाणी की अगुवाई में वो तो देश भर में रथ यात्रा चलाकर हिंदुओं को भड़काने में लगे हुए थे। अगर भाजपा को देश हित की कोई भी चिंता होती तो इस यात्रा के बजाय पंडितों की सुरक्षा का प्रयत्न करते। लेकिन उन्होंने ये भाप लिया था कि कश्मीर में उग्रवाद जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में उनको मदद होगी। तो इस गेम प्लान का पहला कदम था उनके चुने हुए व्यक्ति के हाथ में कश्मीर की कमान सौंपना। उन्होंने दबाव डालकर आरएसएस विचारों के जगमोहन को राज्यपाल के पद पर बिठाया, चुने हुए सरकार को हटाया और राष्ट्रपति शासन लगाया। गेम प्लान का अगला कदम था परिस्थितियों को और तनावपूर्ण बनाना। जगमोहन ने आते ही ऐसे वक्तव्य शुरू किए कि जिनसे कश्मीर के आम लोगों का सरकार पर से भरोसा ही टूट गया। जगमोहन ने अपने भाषणों में कहा, कश्मीर का हर मुसलमान आतंकवादी है, जब तक सारे आतंकवादी मारे नहीं जाते यहां शांति नहीं बहाल होगी।
इसके साथ ही लोगों पर सीधी गोलीबारी और आम नागरिकों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। कश्मीरी जनता के गुस्से और असंतोष में एकदम से उछाल आया और अधिक से अधिक लोग भारत विरोधी जुलूसों में शामिल होने लगे। 1990 में कश्मीर गए जस्टिस तारकुंडे, जस्टिस सच्चर और विशेषज्ञों की टीम ने लिखा है, जनवरी 1990 में जगमोहन के आने के बाद भयावह दमनात्मक कार्रवाइयों से घाटी की सारी मुस्लिम आबादी भारत से कट गई है और उनका ये अलगाव अब कड़वाहट तथा गुस्से में बदल गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव रहे अशोक जेटली कहते हैं, जगमोहन ने 5 महीने में वो कर दिया जो आतंकवादी 5 सालों में नहीं कर पाते। वास्तव में कश्मीर में उस दरमियान हिंदू और मुसलमान दोनों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं लगातार हो रही थी। ऐसे में जरूरी था कि आतंकवाद से असहमत या उसके शिकार कश्मीरियों को साथ लेकर एक तरफ प्रशासन को मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ ताकत का समुचित प्रयोग करते हुए आतंकवादियों का मुकाबला करें। लेकिन गवर्नर साहब ने उग्रवादियों द्वारा की गई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याओं को मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या की तरह पेश किया और फिर आया इस गेम प्लान का अगला कदम। जी हां, कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाना। कश्मीर के अभ्यासक और नेता बलराज पुरी बताते हैं कि उस दौरान लोगों की अगुवाई में हिंदू मुसलमान संयुक्त समिति बनाई गई थी जिसका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों का पलायन रोकना था। इसमें कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी, HN जट्टू और गुलाम नबी हागरू थे। कई मुस्लिम नेताओं, राजनीतिक नेताओं और उग्रवादी संगठनों तक ने कश्मीरी पंडितों से पलायन न करने की अपील की, लेकिन जगमोहन ने संयुक्त समिति की ऐसी कोशिशों को कोई भी महत्व नहीं दिया। इसके विपरीत पंडितों को हिंदू राष्ट्र निर्माण की कहानी बताकर उन्हें पलायन के लिए प्रोत्साहित किया। कश्मीरी पंडित नेता संजय टिक्कू बताते हैं कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जगमोहन से मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन जगमोहन सुरक्षा उपलब्ध कराने की जगह तुरंत जम्मू चले जाने पर जोर दे रहे थे। तवलीन सिंह बताती है, ये तो सच ही है कि जगमोहन के कश्मीर में आने के कुछ दिनों के भीतर वे समूह में घाटी छोड़ गए और इस बात के पर्याप्त सबूत है कि पलायन के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। 18 सितंबर 1990 को स्थानीय उर्दू अखबार अफसाना में छपे एक पत्र में कश्मीरी पंडित KL कॉल ने लिखा, पंडितों से कहा गया था कि सरकार कश्मीर में 1 लाख मुसलमानों को मारना चाहती है जिससे आतंकवाद का खात्मा हो सके। पंडितों को कहा गया कि उन्हें मुफ्त राशन, घर, नौकरियां आदि सुविधाएं दी जाएगी। उन्हें ये कहा गया, नरसंहार खत्म हो जाने के बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। इससे ये साफ साबित होता है कि RSS ने अपने स्वयंसेवक जगमोहन को कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनको कश्मीर से भगाने के लिए ही भेजा था और ठीक यही हुआ। जगमोहन के राज्यपाल बनने के कुछ ही दिनों में पंडितों का यह ऐतिहासिक विस्थापन शुरू हुआ। पंडित मुक्त कश्मीर कराने की जगमोहन की इस सेवा का RSS और भाजपा ने उन्हें खूब इनाम दिया। उन्हें वाजपेयी सरकार में मंत्री पद तक दिया गया। और हम ये भी न भूले कि कश्मीरी पंडितों के हालात पर चीखने चिल्लाने वाले RSS और भाजपा ने वाजपेयी जी के 5 साल और मोदी जी के 7 साल में एक भी पंडित परिवार को कश्मीर में पुनर्स्थापित नहीं किया, और वो करेंगे भी क्यों? RSS और भाजपा के एजेंडे के लिए तो ये जरूरी है कि पंडित वनवास में ही रहे। अगली बार जब भाजपा और RSS किसी को आपका दुश्मन बताकर आपको सुरक्षा देने का दावा करे तो इतिहास का ये पन्ना जरूर याद रखें।